यार ये लोग कब मुझे दर्द से आजाद करेंगे। वो क्या मुझे समझ में नहीं आता है, कितना पैसा बर्बाद कर दिया। तुम पहले ड्रामे कर लो। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल, एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस वीडियो और वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ। नो, नॉट अ डे इन माय लाइफ, इट्स इवनिंग और इवनिंग के इट्स 6:45 PM इन द इवनिंग। सो ऐसे ही आज मैंने सोचा कि क्या हो सकता है इस टाइम में। मतलब यार मैं अच्छा खासा ब्लॉग बना रहा था, मैं अच्छे मतलब हॉल्स बना रहा था, अच्छे खासे मैं हॉल्स वीडियो बना रहा था अपना, अच्छा खासा अपने काम में और टाइम में अपने काम में बिजी था। फिर चीज़ें बिगड़ गई, फिर सब कुछ वापस से वैसा ही हो गया। मतलब क्या फ़ायदा है ऐसे काम करके, एक दिन ठीक रहता है, चार दिन खराब हो जाता है फिर सब सारा एक दिन ठीक रहता है, फिर चार दिन वही सब खराब हो जाता है। तो क्या करूँगा मैं ऐसा काम करके, कुछ काम में ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। मतलब ऊपर से मेरी बैक पेन हद हो गई है। आज मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के जल्दी अपना सारा काम फिनिश करके और फिर से आज मैं कुछ काम करूँगा अपना यूट्यूब पे, बट नहीं हो पाया। आज हो भी जाता, थोड़ा बहुत मूड बनाया भी था मैंने अपना काम करने का, बट बैक पेन लास्ट मोमेंट पे, बैक पेन ने मुझे डिच कर दिया। और अभी भी अब ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अपने घर का सामान इधर से उधर करके रखूँ। टीवी पर मैं देख रहा था सिंचैन। धूप इतनी हो गई है कि कपड़े मेरा बाहर सुखाने का धूप में मन नहीं करता है। धूप में जाया ही नहीं जाएगा तो सुखाऊंगा कैसे मैं कपड़ों को। सो अब धूप चली गई है तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मुझे कपड़े। दिल्ली की गर्मी भी, मतलब गर्मी धूप दिल्ली की सब जानलेवा हो रखी है, सब टोटली सबने कसम खा रखी है शीतल को जीने नहीं देना है। सो मैं कपड़े लेकर आया हूँ सुखाने के लिए। मैं कपड़ा यहाँ पर सुखाऊँगा क्योंकि अब धूप चली गई है। कपड़े छत पे ना सुखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि धूप बहुत तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। अब मैं धूप में मतलब अब धूप चली गई है, मैं कपड़े सुखाऊंगा। वाओ, आई एम टैलेंटेड। जब धूप चली जाती है तब मैं कपड़े सुखाता हूँ। सब लोग कपड़े तब सुखाते हैं जब धूप हो रही होती है, बट मैं तब सुखाता हूँ जब धूप नहीं हो रही होती, जब धूप चली जाती है। मैं धूप के जाने का इंतज़ार करता हूँ बेसिकली। कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, पहली बार मतलब मैंने ऐसे कैमरा एंगल सही किया है और कितना सुंदर दिख रहा है। कॉल आ गया। चलो फाइनली कपड़ा सुखा दिया मैंने ये, और इधर इधर बेडशीट भी धो दी आज मैंने, बेडशीट धो दिया था। हाँ, उस पर थोड़ा सा डिटॉल गिर गया था, सो मैंने सोचा इसको वॉश ही कर देता हूँ। उस बड़ा अजीब सा स्टेन लग रहा था उस पर। शिट, झाड़ू भी तो लगानी है यार मुझे अभी शाम वाली, झाड़ू कैसे भूल गया मैं। शिट, सो बाल बांध कर रेडी हो गया हूँ मैं। हाँ, टमी मेरा पेट बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है, आजकल मेरा टमी भी बाहर है। सो झाड़ू गए। गाइस लाइफ अपडेट, मैंने एसी लगवा लिया है। मैं इतना खुश हुआ था उस दिन, तो मैंने उसका भी एक वीडियो अपलोड किया था, अपना रिएक्शन अपलोड किया था, आपका मन हो तो देख लेना। और सी वाई एसी दिखा वो। सो मैं एसी लगवा लिया है, उसी का लाइफ अपडेट। तुम पहले ड्रामे कर लो। मेरी रिंग लाइट बार बार ब्लिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा इसके अलग ही नाटक चल रहे हैं। सो अभी मैं थोड़ा सा एसी बंद करूँगा क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया है। ये रहा रिमोट मेरा, फोकस देख रहे हो एसी का, मतलब सॉरी रिंग लाइट का देख रहे हो, फोकस इतना खराब हो रहा है। नाउ दैट्स बेटर, देखो अब आया, ठीक है। सो कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक चीज़ ठीक हो जाएगी फिर एक खराब हो जाएगी, फिर एक ठीक हो जाएगी फिर एक खराब हो जाएगी। तो अभी ऐसा होता है, इसी लगवा लिया, मूड ठीक हो गया तो ये लाइट खराब हो रही है। सो इट्स अरे यार कुछ
अपडेट ये है कि मैंने शाम को वीडियो बनाना शुरू किया था। जैसे ही मैं झाड़ू लगाने बैठा वैसे ही मेरे फ्रेंड्स आ गए, फिर मैंने खाना वाना बनाया, खिलाया विलाया उनको, टाटा बाय बाय करके बैठा हूँ अब मैं अपना काम करने। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फिर से, ठीक है यार, जब तक अंदर ही अंदर जो है स्ट्रेस और एंजाइटी खेल खेलती रहेगी तब तक हम भी खेल खेलते ही रहेंगे। तुम अपने परवान पे रहो और हम अपने परवान पे रहेंगे। तो मैंने भी अब ठान लिया है जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वीडियो बना लूंगा। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे ही बेटर लग रहा है। तो मैंने भी इसीलिए ठान लिया है कि अब ऐसा ही होगा, जो भी है कर लो, जिसे जो करना है कर लो, मैं भी अपना काम करता रहूंगा। तो अभी मेरे पास अलमारी है और इसमें इतना कचरा भरा हुआ, इतना सॉरी कचरा क्यों कह रहा हूँ, मैं कचरा नहीं कह रहा, मैं कहने का मतलब इसमें मेरा बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत सारे कार्टन बॉक्सेस रखे हुए हैं। आई विल शो यू, ये कुछ सामान है। तो मैं ये निकालता हूँ और देखता हूँ इसमें से क्या क्या मेरा वेस्टेजेस है और क्या क्या मुझे यूज़ का है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी स्पेस बनाना है और भी चीज़ें रखने के लिए। और देख रहे हो मेरे पास कितने सारे बॉक्सेस हैं, बाय गॉड सीरियसली मैंने कितना पैसा खराब किया है इन सब पर। मैं इनको निकालता हूँ यार, ये देखो एक इसके पीछे छुपा हुआ है। तो अभी तुम साइड में हटो, मुझे अपना काम करने दो। वो एक और दो और है दो, ये रे मैंने यहाँ सारे निकाल लेने हैं, ये देखो। ओ वन टू, नहीं यार इसमें तो मेरा आई थिंक ज्वेलरी वगैरह रखा हुआ है, ये देखो। सो इसमें मेरे ज्वेलरी वगैरह रखे हुए हैं, तो ये तो मेरे यूज़ का है। और इसमें क्या है मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि इसमें क्या रखा। ओके इसमें मेरे हेयर क्लिप्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये भी यूज़ का है। एंड ये दोनों मेरे यूज़ के हैं तो ये तो नहीं निकलेंगे, ये वाला ज़रूर निकलेगा। ओके सो आउच, हाँ क्योंकि मुझे आज सारा क्लियर करना है। ये इसको मैं वापस रख देता हूँ, गाली लेता हूँ। क्या क्या है ये, एक ये पार्सल, कितने पार्सल हैं यार। लो इसको मैं कॉटन पैड को ऊपर रख देता हूँ। एंड हेयर इज माई डायरी जिसको मैं लिखता हूँ डेली, और इसको भी अभी जरा मैं साइड रख दूँ। फिलहाल मैंने ये देखो एक और, इतने सारे पार्सल, पैसा कितना फूका है मैंने इतने पैसों में। तो मैंने एक नया एसी ले लेना था, सेकेंड हैंड लगवाना ही नहीं था। सो मिस्टर एक्स कॉल आ गया, आई गॉट अ कॉल, सो सॉरी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एमटी। आउच मेरी बैक, यार ये लोग कब मुझे दर्द से आजाद करेंगे। मुझे कब आज़ादी मिलेगी, कब मुझे आज़ाद करेंगे, कब मुझे ये लोग आज़ाद करेंगे, मेरा दर्द, मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन, बहुत मसल पेन हो रहा है। क्या ये कभी दर्द जाएगा नहीं क्या यार, कब ख़त्म नहीं होगा क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। कितना पैसा बर्बाद कर दिया यार मैंने अपने बैग को दिखाने में, बहुत दुखता है यार, बहुत दुख रहा है, दो दिन से बहुत दुख रहा है आज। अच्छा पाउच देख लो, मैंने आज ही अभी यहाँ रखा है ना पाउच, मैंने अभी मतलब मूव लगाई थी तब जाके थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ा सा, एकदम से आराम नहीं मिला है, बट हाँ थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है। ये बहुत मसल्स दुख रहे हैं यार। चलो फिर भी काम तो करना जरूरी है। तो मुझे मिला देख, इतना सारा कचरे में से मुझे मिला, ये तो इधर दिख रहा है ना, ये देखो टूटा हुआ फोन स्टैंड, थ्री टांग थे इसके, एक टूट गया थ्री टांग थे उसके, वन टांग टूट गया एक मिली मुझे ये इंडिया टुडे वुमन मेकिंग अ डिफरेंस एंड न्यू वेज टू लुक गुड एंड बी परफेक्ट। ओके सो इसको मैं संभाल के रखूंगा, मैगजीन अच्छे होते हैं पढ़ते रहना चाहिए। और मुझे मिला ये कुछ प्रोडक्ट्स, आई थिंक मुझे मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल, बकवास ये फोकस क्यों नहीं बैठ रहा,
सो ये ऑयल मामार्थ का बिल्कुल बकवास हेयर ऑयल, और ये वाइट ग्लो का ये भी बिल्कुल बकवास, बॉडी लोशन है बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है, मत खरीदना इसको। लोटस वाला पता नहीं कैसे इतना महंगा सामान देगी लोगों को, लूटते हैं लूटते हैं, सीरियसली ये लोग लूट रहे हैं। और मेरे को मिले थे ये, मिले क्या थे, मैंने बाय किए थे 2 केसेस अपने फ़ोन के लिए, एक लगा हुआ है सो मैं उसको लगाऊंगा नहीं। पता है लॉट्स ऑफ फ़ोन केसेस हैं मेरे पास, एक ये सबसे पहला केस मैंने ये ख़रीदा था लक्ष्मी नगर से, और ये मैंने ख़रीदा था एसएन से येलो कलर का, इसका ये पीछे का ये कांच टूट गया, कांच में ब्रेकेज आ गए इसमें, दिख रहा होगा शायद। सो ये एक ये भी, मतलब वो वाला केस और ये मैंने दोनों साथ साथ खरीदे थे एसएन से, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मैं इसको आज भी मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वन केस इज दिस, इसको भी मैंने एसएन से ही ख़रीदा था और ये तो अभी न्यू पैक्ड रखा है, मुझे लगता है ये विंटर्स के लिए है ये वाला केस, बिकॉज इसमें ये बो बना हुआ है ऊनी, तो मैं इसको हमेशा अक्सर विंटर्स में यूज़ करता हूँ, बाकी टाइम में मैं इसको पैक करके रख देता हूँ। और दिखाता हूँ, मतलब मैंने आज कचरा खाली कर देना है, और हो सकता है मैं इसको एक हॉल ले आऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे। सो एक तो ये है पर्पल से, और मैंने ज़्यादातर क्या, मतलब मैं पर्पल से ही मंगाता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ये फ्री भी जो होते हैं ना, मतलब किसी भी चीज़ के साथ कुछ फ्री मिल जाए कितना अच्छा लगता है यार। मैंने इनका कुछ मुझे ड्यूरिंग सफाई एक लाइट मिली, सी कितना क्यूट लाइट है, और मैंने इसको मेले में से ख़रीदा था आई थिंक 10 रुपीज़ का, कितना प्यारा है ये। बट अब मैं इसका भी क्या करूँ, कहाँ लगाऊंगा यार मैं इसे, एक तो मेरे घर में लगाने की चीज़ें नहीं है, मैं इसको स्टिक कर दूंगा किसी चार्जर वगैरह के ऊपर, एटलीस्ट दिखाई देता रहेगा मुझे चार्जर। काफ़ी सारा कचरा था और मेरी सारी सफाई हो गई, ए डे और ए नाइट इन माई लाइफ हो गया, होम अलोन डायरीज कम्प्लीट हो गया, और क्योंकि अभी मुझे यार रात का ही टाइम मिलता है, ऑफिस घर सारी चीज़ें संभालने का मुझे यही टाइम मिलता है कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ या अपने घर को संभाल पाऊँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, तो वो मैंने इस टाइम में किया है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पैकिंग की है, माय बैक कैमरा, और ये देखो कितना सारा कचरा था। सो जितना भी सामान मैंने उधर बैक कैमरा पैक करके रख दिया है, मैं उसका कल एक हॉल अपलोड कर दूंगा शूट करके, और काफ़ी सारा सामान है और उसको देखना आप लोग, आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी सारा वेस्टेज हो चुका है। 11:50 वेयर इज माई सेकेंड फोन, सी 11:52, सो इट्स 11:52 हो गया है। आई थिंक मुझे अब यहाँ पर अपने वीडियो को स्टॉप करना चाहिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सेम चैनल सेम टाइम, ओके। टिल देन स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश एंड बी हैप्पी बी पॉजिटिव, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना आप सब अपना, ओवर एंड आउट।